गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सबका स्वागत है मेरे इस एक नए सेशन पे। एंड आज हमारे पास है द ह्युंडई अल्काज़र। ये 7 सीटर वर्जन है और अगर आपको इस फुल रिव्यू चाहिए सो ये वीडियो एंड तक देखिए। मेरा नाम अरुणांग चौधरी और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेट्स गो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको सबसे पहले एक LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन एंड द डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको जो हेडलैम्प्स देखने को मिलता है उसे ह्युंडई कहता है द ट्रायोबीम LEDs। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर एलिमेंट्स इन द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एक डार्क क्रोम एक्सटीरियर सिग्नेचर कैस्केडिंग फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है इस गाड़ी को इन द फ्रंट से फॉर श्योर। सो गाइज, जब आप लोग इस गाड़ी के अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जब आप लोग इस गाड़ी के थोड़ा सा अंडरनेथ सेक्शन को देखोगे तो वहाँ पे बेसिकली आपके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर्स के नीचे आपके फॉग लाइट्स देखने को मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको LED फॉग लाइट्स देखने को मिलता है। सो गाइज, जब आप लोग इस गाड़ी के ORBMs की बात करेंगे, ORBMs यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो आता है इस गाड़ी में, तो इस गाड़ी में आपको कम्प्लीटली बॉडी कलर ORBMs देखने को मिल जाता है विद LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको पेडल लैंप्स विद ह्युंडई लोगो प्रोजेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल से एक बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सा लुक देखने को मिल जाता है फॉर श्योर। एंड एट द सेम टाइम जब आप लोग इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 4500 mm का लेंथ मिलता है, आपको 1790 mm का वेथ मिलता है, आपको 1675 mm का हाइट मिलता है एंड साथ में आपको 2760 mm का व्हील बेस और 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट एलिमेंट की और जब आप लोग इस गाड़ी के ऊपर के साइड को देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 रूफ रेल्स देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट टायर साइज़ की बात करेंगे तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको 215x55 के 18 इंच रेडियल टायर देखने को मिलता है विद डायमंड कट अलॉयस के साथ। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया है। एंड एट द सेम टाइम जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको मेक प्रेशन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, जब आप लोग इस गाड़ी के रियर टायर साइज की बात करेंगे तो इस गाड़ी के रियर पे भी आपको एक 215x55 के 18 इंच रेडियल टायर देखने को मिल जाता है विद डायमंड कट अलॉयस के साथ। और रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो रियर पे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया है। एंड रियर सस्पेंशन सेटअप की जब आप बात करेंगे तो रियर पे आपको कपल टॉर्जन बीम एक्सल का सस्पेंशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर अब इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एक डार्क क्रोम एक्सटीरियर फिनिश आउटसाइड डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ। सो व्हेन यू सी द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो जब आप लोग इस गाड़ी को रियर पे आके देखेंगे तो आप जरूर नोटिस करेंगे कि रियर से भी इस गाड़ी को एक स्टाइलिश एंड कूल सा लुक देखने को मिल रहा है फॉर श्योर। एंड रियर एलिमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर जो मैं बताने वाला हूँ इन द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो जब आप लोग इस गाड़ी के टेल लैम्प की बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको हनीकम इंस्पायर्ड LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और साथ में जब आप लोग इसके रियर इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी के टेल लैम्प के अंदर ही आपके रियर टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के टेल लैंप्स के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली बॉडी कलर पे देखने को मिलता है। उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपको रियर डिफॉगर देखने को मिलता है, साथ में इसको रियर स्पॉयलर भी आता है एंड साथ में रियर डिफॉगर के साथ आपको रियर वाइपर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
एंड व्हेन यू सी दिस पार्ट ऑफ दिस कार, तो यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको एक एल्कज़र की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के एकदम अंडरनेथ सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिलता है, आपको बम्पर देखने को मिलता है जो बेसिकली डुअल टोन बॉडी कलर में दिया हुआ है, साथ में आपको एक ट्वाइन अप एग्जॉस्ट भी देखने को मिलता है और दो तरफ दो रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि इंटीरियर में कितनी स्पेस एंड फीचर ऑफर किया है ह्यूंडई ने अपनी एल्कज़र पे। तो गाइस अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा इस गाड़ी के फ्रंट डोर की, और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट डोर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ब्राउन डुअल टोन कलर में फ्रंट डोर देखने को मिल जाता है। सो गाइस जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट डोर के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मेटालिक फिनिश इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलता है, बेसिकली योर पावर विंडोज, योर ओआरवीएम्स, डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन। और कंट्रोल्स के थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है जहाँ पे बेसिकली आपको कॉइन्स वगैरह या मोबाइल वॉलेट दूसरा कुछ सामान रखने के लिए। सो दैट इज़ गुड। सो गाइस जब आप लोग इस गाड़ी के थोड़ा सा अंडर सेक्शन को देखोगे फ्रंट डोर के, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाती है जो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ग्लो कर रहा है। उसके साइड पे देखेंगे तो आपके बोस के स्पीकर्स देखने को मिलता है, और उसके नीचे देखेंगे तो बॉटल होल्डर्स देखने को मिलता है जहाँ पे बेसिकली आपके एक एक लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। सो गाइस जब आप लोग इसके सीट्स की तरफ देखेंगे और अगर आप इसके सीट्स अपहोल्स्ट्री की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक कॉर्नियक ब्लैक एंड ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, जिसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस जब आप लोग इस गाड़ी के सीट्स एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पर आपको इलेक्ट्रिकली 8-way एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट की बात करोगे तो वहां पे आपको 6-way एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वो मैनुअली है। तो बात करेंगे इस गाड़ी के नेक्स्ट एलिमेंट की, तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिलता है, उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल में बेसिकली आपको तीन मोड्स आता है, स्नो, सैंड, मड, और उसके साइड पे देखेंगे तो आपकी गाड़ी का पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपके इस गाड़ी का एसी वेंट देखने को मिल जाता है, और जिसकी अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो डिज़ाइन वाइज ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है फॉर श्योर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको एक परफोरेटेड डी कट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, और ऐसा ही सेम स्टीयरिंग व्हील आपको ह्यूंडई क्रेटा में भी देखने को मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। और जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की बात करेंगे तो दैट इज फॉर योर ऑडियो, जहाँ पे बेसिकली आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल रिसीव एंड कॉल एंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के राइट साइड कंट्रोल्स की बात करेंगे तो राइट साइड में आपको जो कंट्रोल्स है दैट इज फॉर योर क्रूज कंट्रोल एंड अदर जो कंट्रोल्स मिलता है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिल जाता है। सो जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप अपने हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हो और अपने डिस्टेंस के हिसाब से भी स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हो। तो जब आप लोग इस पार्ट को देखोगे इस गाड़ी के तो यहाँ पे आपको दोनों साइड दो कंट्रोल्स देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको बेसिकली आपके वाइपर का कंट्रोल देखने को मिलता है, और राइट साइड पे जो कंट्रोल्स है दैट इज़ फॉर योर टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, इसका पूरा कंट्रोल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो इस गाड़ी में आपको एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे आपको ये जो दो डायल्स है, ये जो MID स्क्रीन है, ये फुल एक डिजिटल पार्ट है। और यहाँ पे बेसिकली आपको दो डायल्स देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपका स्पीडोमीटर, राइट साइड में है आपका टैकोमीटर, और मिडिल में आपको एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सो जब आप लोग इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अदर एलिमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपको दो ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, आपको एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन, आपको एवरेज स्पीड देखने को मिलता है, साथ में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है, आपके क्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फ्यूल गॉच मिलता है, आपको लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग देखने को मिलता है, साथ में आपके जो क्लस्टर का ब्राइटनेस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, साथ में आपको काफ़ी सारे और फीचर भी देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में एक और फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वो है कि इस गाड़ी में जब आप ड्राइव कर रहे हो एंड आप जिस साइड के इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो उस साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा एंड उस साइड का कैमरा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो हो जाएगा, मतलब कि ये एक बहुत यूनिक फीचर है इन दिस सेगमेंट।
सो जब आप लोग इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एक 10.25 इंच का HD टचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है, विच विल सपोर्ट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, FM जैसे फीचर्स, और साथ में इस गाड़ी में आपको ब्लू लिंक मिलता है और कनेक्टेड कार्स भी देखने को मिल जाता है। जो कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी है उसमें आपको 60 फीचर देखने को मिलता है। वो 60 फीचर्स क्या है मैं आपको एक अलग से वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइज, जब आप लोग इस गाड़ी के टचस्क्रीन सिस्टम के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के फिजिकल बटन्स की क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसको। तो जब आप लोग इस गाड़ी के फिजिकल बटन्स के थोड़ा सा नीचे आपके एयर कंडीशन सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको नीचे कुछ फिजिकल बटन्स देखने को मिलता है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायल्स मिलता है। अब लेफ्ट साइड में है इसका फैन स्पीड और राइट साइड में है इसका टेम्परेचर कंट्रोल। और एयर कंडीशन सिस्टम के थोड़ा सा ऊपर आपको हैजर्ड लाइट का बटन भी देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग क्लाइमेट कंट्रोल के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली एल्यूमिनेटेड चार्जिंग पोर्ट्स है। तो यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, एक आपको रेगुलर USB चार्जिंग देखने को मिलता है, और एक आपका 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गियर बॉक्स ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और जब आप इसकी गियर नॉब की बात करेंगे तो इस गाड़ी में परफोर्टेड लेदर गियर नॉब देखने को मिल जाता है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के गियरबॉक्स के थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाता है। सो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड कंट्रोल्स को जब आप दबाएंगे तो उससे आपकी गाड़ी की सारी जो रीडिंग लैंप्स है वो ऑन हो जाएगा, और राइट साइड के बटन को दबाएंगे तो उस बटन से सिर्फ आप पर्टिकुलरली वो लैंप ऑन कर सकते हो जिसको आप चाहते हो। एंड साथ में यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, और साथ में उसके सामने देखेंगे तो वहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलता है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के इनसाइड रियर व्यू मिरर की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन इज SOS, सेकेंड वन इज टॉइंग, और थर्ड वन इज द ब्लू लिंक। सो नाउ लेट्स टर्न ऑन द सनरूफ ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस गाड़ी के सनरूफ को देखोगे तो इस गाड़ी में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है विद मूनरूफ के साथ। तो जब आप लोग इसके पैसेंजर साइड को देखोगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। और ड्राइवर साइड की बात करेंगे तो इस गाड़ी के ड्राइवर साइड में आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। और साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात करोगे तो स्पेस बहुत बढ़िया मिलता है, आप अपने साथ इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जब आप इसके रियर व्यू कैमरा की बात करेंगे तो रियर व्यू कैमरा का जो स्क्रीन मिलता है वो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे शो होगा। साथ में इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा देखने को मिल जाता है विद जूम इन एंड जूम आउट के साथ। साथ में आपको मल्टीपल व्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साथ में साइड व्यूज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लोग इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एक ब्लैक एंड ब्राउन डुअल टोन कलर में इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ने फील कराएगा फॉर श्योर। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के इंटीरियर्स के टच एंड फील और मटेरियल्स एंड क्वालिटी की बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया मिलता है। एंड साथ में ये जो इंटीरियर्स इस गाड़ी में दिया हुआ है ये इंस्पायर्ड टू द ह्यूंडई क्रेटा। तो अब हम जाएंगे सेकंड रो पे, और सेकंड रो में जाने से पहले मैं अगर आपको इसका डोर दिखाऊंगा तो ये डोर भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बेसिकली आपको सबसे पहले एक मेटालिक इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। साथ में आपको एक डोर पॉकेट देखने को मिलता है, और उसके साइड पे देखेंगे तो आपके एक पावर विंडो का कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लोग इस गाड़ी के नीचे की साइड को देखेंगे डोर्स के, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोस का स्पीकर देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको बॉटल होल्डर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली आपके एक एक लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। और इस गाड़ी में आपको एक और फीचर मिलता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि इस गाड़ी के फ्रंट सीट पर आपको एक सीट बैक टेबल मिलता है, जो जिसपे बेसिकली आपको रिट्रैक्टेबल कप होल्डर एंड IT डिवाइस होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लोग इस गाड़ी के सेकेंड रो की बात करोगे तो सेकेंड रो के अगर आप सीट्स को देखोगे तो ये भी आपको डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन लेदर अपहोल्स्टरी के साथ देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुशन देखने को मिलता है, और इस कुशन में आपको जितना कम्फर्ट ऑफर किया है ह्यूंडई ने, तो अगर आप इस गाड़ी को लेकर लॉन्ग ट्रिप से कहीं भी जाओगे तो आप एकदम रिलैक्सली जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम।
एंड जब आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ द सेकेंड रो तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग और एक वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। तो जब आप लोग इस पार्ट को देखोगे तो ऑफ द सेकेंड रो तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है, और जिसके अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो वो बहुत ही बढ़िया है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, मतलब आप अगर लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपको आसानी से थकावट नहीं आएगी। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक एयर प्यूरीफायर देखने को मिल जाता है विद AQI डिस्प्ले के साथ। एंड जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो हैंडल्स देखने को मिल जाता है। तो ये हैंडल्स बेसिकली इसलिए दिया हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा ओल्ड पर्सन हो और आपको ज़्यादा जर्किंग पसंद नहीं है तो आप इस हैंडल को पकड़ के सपोर्ट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको दो रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है दोनों साइड पे। तो बेसिकली जब आप लोग इस गाड़ी के थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में भी आपको एक डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है, साथ में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। और थर्ड रो बेसिकली आपको 50-50 स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड जो सेकेंड रो है वो आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाएगी। तो मैंने सेकेंड रो के नीरूम को देखा था, सेकेंड रो का नीरूम ठीक ठाक था। और अगर आप थर्ड रो के नीरूम की बात करेंगे तो ये जो नीरूम है एकदम सफिशियंट स्पेस भी इसको नहीं मिलता, तो मतलब कि इस सीट्स पे आपको बच्चे ही बैठ सकते हैं। अगर मेरे जैसा कोई पर्सन बैठेगा या मेरे से कुछ लंबा कोई पर्सन बैठेगा तो उसको थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर होगा। हेडरूम की बात करेंगे तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ द थर्ड रो तो यहाँ पे आपको दो LED रीडिंग लैम्प भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक AC वेंट्स देखने को मिलता है, साथ में उसको कंट्रोल करने का नॉब भी आपको यही पे दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है जो बेसिकली फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। एंड साथ में यहाँ पे आपको एक कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के लेफ्ट साइड को देखेंगे ऑफ द थर्ड रो तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक AC वेंट्स देखने को मिलता है, आपको एक कप होल्डर देखने को मिलता है, और साथ में आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि इस गाड़ी में आपको कभी भी स्टोरेज स्पेस एंड चार्जिंग पोर्ट की कमी महसूस नहीं होगी फॉर श्योर। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बोस का स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो इस गाड़ी में ऑल टोटल आपको बोस के 8 स्पीकर देखने को मिलता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी में आपको एक 180 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा बूट स्पेस है। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट पे समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी 7 सीटर का बूट स्पेस ज़्यादा नहीं होता अगर उसकी सारी सीट रेस्ड हो। तो इस वजह से इसका बूट स्पेस भी थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अपने छोटे दो सूटकेस या एक बड़ा सूटकेस आप इजीली ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मान लीजिए कि आप के साथ आपका लगेज बहुत ज़्यादा हो और अब नंबर ऑफ पर्सन बहुत ही कम हो, दो जने या तीन जने हो, तो आप इजीली इसके थर्ड रो सीट्स को फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। इसका थर्ड रो सीट 50-50 स्प्लिट होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, और उससे आप अपने बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल्स स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा विद स्टीयरिंग एडाप्टिव पार्किंग गाइडलाइंस जैसे फीचर देखने को मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है आपका 2 लीटर पेट्रोल और दूसरा है आपका 1.5 लीटर डीजल। अब ये दोनों इंजन ही आपको 4 सिलेंडर DOSC 16 वाल्व्स के साथ आता है, और इन दोनों इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। तो और पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में आपको 159 BHP का पावर मिलेगा और 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन में आपको 115 BHP का पावर मिलेगा और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, एंड अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो वो हमें नीचे ज़रूर बताइए। एंड अगर अब इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।